धर्म पूजा पाठ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार भविष्यफल, जो कि विशेष करके मूलांक तीन वालों के लिए बनाया गया है। मूलांक तीन, जिन लोगों का मूलांक तीन है वह इस वीडियो को जरूर देखें, या आपके परिवार में जिन लोगों का मूलांक तीन है। पहले जानते हैं मूलांक तीन क्या है। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक तीन होगा। यदि आपके परिवार में भी किसी सदस्य का जन्म इन तारीखों को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मित्रों, मूलांक तीन का स्वामी बृहस्पति ग्रह है, जो सभी ग्रहों के गुरु हैं, और मूलांक तीन वाले व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी हैं। किसी के आगे झुकना इन्हें पसंद नहीं होता है। ये किसी का भी एहसान जल्दी से मानना नहीं चाहते या लेना नहीं चाहते। इन्हें किसी का हस्तक्षेप अपने काम में टांग अड़ाना भी पसंद नहीं है। इन्हें स्वतंत्रता के साथ में समझौता पसंद नहीं है, क्योंकि ये खुद स्वतंत्र विचारों के और लोगों को ज्ञान देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ होता है। मित्रों, मूलांक तीन वाले व्यक्ति साहसी, वीर, शक्तिशाली और संघर्षशील भी होते हैं। श्रमजीवी और धर्म में विश्वास रखने वाले, कष्टों से जल्दी हार नहीं मानते ऐसे लोग। इन लोगों का 2022 कैसा रहेगा, किन कठिनाइयों के साथ में, या कुछ अच्छे अवसर भी आएंगे, कौन कौन से अवसर आएंगे वो भी इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आने वाले हैं। और धर्म का प्रचार प्रसार और अपना मार्गदर्शन दोनों ही साथ में हो रहे हैं। आप तो जानते हैं धर्म है तो सब है। मित्रों, मूलांक तीन वाले जातकों को इस वर्ष स्वास्थ्य अर्थात तबीयत में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मानसिक बल बहुत ही बढ़िया रहेगा, उत्साह भरा रहेगा, परंतु कभी कभी ज़्यादा काम और टेंशन के कारण बीमार हो जाएंगे। हर कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश तो करेंगे, परंतु आपका मानसिक बल होने के साथ में शारीरिक बल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा टेंशन ले लिया है। तो बार बार बीमार होने के कारण थोड़ी दुर्बलता तो बनी रहेगी, परंतु आपको कार्य का मौका बार बार मिलता रहेगा, बहुत सारे नए नए कार्य मिलेंगे। मूलांक तीन वालों को नई नई जिम्मेदारियाँ मिलेगी और नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यापारी गणों के लिए बहुत ही बढ़िया वर्ष है। जो मूलांक तीन वाले व्यापारी हैं वो इस वर्ष व्यापार में बहुत ही उन्नति करेंगे। जीवन साथी का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। कार्यस्थल व्यापार में सभी का सहयोग भी मिलेगा, परंतु थोड़ा कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन का अर्थात होता है कि बातचीत नहीं हो पाएगी, जिसके कारण काम में थोड़ा डिले हो जाएगा, परंतु बाद में संभल भी जाएंगे। जैसे देरी से ऑर्डर आना किसी का, या किसी से देर से लाभ होना, ये बाद में संभल भी जाएंगे, परंतु इंटरनेट से जुड़े सभी सामग्रियों में इनका खर्च बहुत होगा। जैसे आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनमें इंटरनेट का बहुत उपयोग होता है, और ये सब वस्तुओं में इनका ज़्यादा खर्च होगा। इस वर्ष 2022 में 2 का अंक 3 बार आता है, मतलब 3 के बिना 2022 पूरा नहीं होता है। इसलिए आपके पारिवारिक तथा व्यावसायिक मित्र मंडली में आपके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। आप होंगे तो ही कार्य पूरा होगा। सभी लोग आपकी उपस्थिति का इंतजार करेंगे।
मित्रों आपका इंतजार करते रहें, कब आएं और कार्य पूरा हो। आपकी मौजूदगी के कारण ही यह पूरा होगा। तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे कि आपके कारण ही कोई पार्टी संचालित होगी या कोई कार्य संचालित होगा। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए इस साल। मित्रों थोड़ी कमी है वो भी जान लेते हैं। इस वर्ष भाइयों में थोड़ा विवाद रहेगा, मतभेद रहेंगे और जमीनी कार्य उलझे रहेंगे। जमीन जायदाद के जो कार्य हैं वह थोड़े उलझे रहेंगे, इसलिए जमीन जायदाद के कार्य थोड़े संभल कर करें और इसमें विचार करके कार्य करें, तो नहीं तो हानि भी हो सकती है, थोड़ा उलझ सकता है कार्य। इसलिए पहले भाइयों की भी बातों को समझें। तीन मूलांक वाले व्यक्ति अपने भाइयों की बातों को भी समझें हैं। और मूलांक तीन का शत्रु अंक केतु का है। मूलांक तीन का शत्रु अंक सात है जो कि केतु का है। तो रक्तचाप थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, तो रक्तचाप को संभल कर रखें, बीपी बढ़ सकती है। अचानक गिरने का भी कारण बन सकता है, क्योंकि अचानक आने वाली विपत्तियों का कारण बताया गया केतु को। इसलिए अपने हर कार्य में लापरवाही न बरतें, गाड़ी को ठीक ढंग से चलाएं। केतु की ऐसी अवस्था में सात अंक, मित्रों अपने बीपी को संभाल कर रखें, गाड़ी ठीक ढंग से चलाएं, किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। सात अंक के खराब होने के कारण आपकी हड्डी का फ्रैक्चर होना भी संभव है। मूलांक तीन का शत्रु चार भी है, जिसके कारण जो कि राहु का अंक है, जो गैस की प्रवृत्ति को ज़्यादा बनाता है, वायु का प्रकोप बढ़ाता है, ऐसी गैस वाली बीमारियों से बच के रहें। इस वर्ष आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा बनी रह सकती है। तो मित्रों खान पान का ज़्यादा ध्यान रखें अच्छी तरीके से, जिससे एसिडिटी न बने। आइए बात करते हैं कुछ उपाय की। मित्रों उपाय के स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि इस वर्ष आपके राहु और केतु थोड़े से हावी हो सकते हैं, तो इसलिए हनुमान जी को आराधना करें। लाल और काले रंग का उपयोग ना करें और चार और सात अंक वाले व्यक्तियों से बचें, और चार और सात अंक का उपयोग ज़्यादा ना करें। मित्रों कुछ हद तक डी अक्षर, एम और टी, इन अक्षरों से शुरुआत होने वाले व्यक्तियों से बचें। कुछ हद तक डी एम टी अक्षर वालों व्यक्तियों से बचें और उनसे संभल कर कार्य करें। मन और दिमाग की एकाग्रचितता न हो तो बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। इस वर्ष आपके लिए भैरव जी और हनुमान जी के मंदिर में जाना बहुत ही उपयोगी रहेगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। सभी को जय श्री कृष्ण।